सब्सक्राइब करें ऑनलाइन आईक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबा दें लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। फ्रेंड्स, आज है 30 जुलाई और आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस देश द्वारा हाई रिजोल्यूशन मैपिंग उपग्रह को लॉन्च किया गया है? और इसके ऑप्शंस है ए अमेरिका, बी चीन, सी फ्रांस और डी रूस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी चीन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने सबसे सस्ती कोविड 19 टेस्टिंग किट विकसित किया है? और इसके ऑप्शंस है ए आईआईटी दिल्ली, बी आईआईटी खड़गपुर, सी आईआईटी मद्रास और डी आईआईटी भुवनेश्वर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी आईआईटी खड़गपुर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीआईएस केयर ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? और इसके ऑप्शंस है ए रामविलास पासवान, बी रमेश पोखरियाल निशांक, सी प्रकाश जावड़ेकर और डी नरेंद्र मोदी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए रामविलास पासवान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसम की पूर्व जानकारी प्राप्त करने के लिए मौसम ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? और इसके ऑप्शंस है ए पीयूष गोयल, बी अमित शाह, सी नरेंद्र सिंह तोमर और डी डॉक्टर हर्षवर्धन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी डॉक्टर हर्षवर्धन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? और इसके ऑप्शंस है ए 25 जुलाई, बी 26 जुलाई, सी 28 जुलाई और डी 30 जुलाई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 28 जुलाई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा रुक जाना नहीं योजना की शुरुआत की गई है? और इसके ऑप्शंस है ए राजस्थान, बी उड़ीसा, सी उत्तर प्रदेश और डी मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को $1 मिलियन की चिकित्सा सहायता प्रदान की है? और इसके ऑप्शंस है ए भूटान, बी बांग्लादेश, सी उत्तर कोरिया और डी इजराइल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी उत्तर कोरिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा अभी हाल ही में निशुल्क मास्क वितरण योजना की शुरुआत की गई है? और इसके ऑप्शंस है ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी केरल और डी असम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी तमिलनाडु। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेंडेमिक सेंचुरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? और इसके ऑप्शंस है ए टोनी जोसेफ, बी जॉन ग्रिसम, सी मार्क होनिक्सबॉम और डी रीमा हुजा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मार्क होनिक्सबॉम। हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना अकादमी के नए कमांडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसके ऑप्शंस है एम ए हम्पीहोली, बी राकेश कुमार, सी राजेश रंजन और डी अजय कश्यप। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एम ए हम्पीहोली। फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।